हेलो गाइस, वेलकम बैक G6 YouTube चैनल में आप सभी को फिर से स्वागत करते हैं। आज है महाशिवरात्रि और गाइस इस शुभ दिन में हम जा रहे हैं महामृत्युंजय टेम्पल, जो कि ऑल का सबसे लार्जेस्ट सबसे बिगेस्ट शिवलिंग है, मतलब सबसे लार्जेस्ट शिवलिंग जो कि महामृत्युंजय मंदिर। और मेरे साथ जा रहा है अभिषेक। तो जोश कैसा है? एकदम बढ़िया। मैं तो महामृत्युंजय पहले एक बार गया था अकेले और इस बार इसका साथ जा रहा है। और आज मतलब थोड़ा स्पेशल डे है, इसीलिए हम बहुत ही मतलब रात को, तो इसीलिए हम उधर पे रहने का भी जुगाड़ वगैरह लेके आया है, मतलब कैंपिंग टेंट लेके आया है। दिस इज द रिवर ब्रह्मपुत्र, आपको मैंने पहले भी कई बार दिखा चुका हूँ। और दिस इज द कोलियाहुमरा ब्रिज, और देखो कितना शानदार नजारा से हम आज का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेट्स गो ब्रो, जाते हैं जल्दी जल्दी और देखते हैं हमारा आज का क्या होएगा। तो चलो चलो, तो ये चलाएगा बाइक अभी और मैं पीछे बैठेगा, लेट्स गो। तो हम दोनों जाने के लिए अभी बिल्कुल रेडी, हेलमेट वगैरह लगा लेता हूँ और चलो चलो भाई। तो अभी पहुंचा हुआ हम नौगांव में, तो इधर पे कुछ चाय बाय पी लेते हैं। दिस इज द जेडी कुछ रेस्टोरेंट जैसा है, तो इधर पे जाते हैं चाय बाय पीते हैं। और इधर पे आप देख सकते हैं इधर पे बन रहा है हिंदी मटन ना। हाँ, और इसको पकने में 2 घंटा लगता है लगभग। और ये जो आप छोटा वाला दिख रहे हैं, इस हंडी का प्राइस है 1500 और आपको ये बड़ा वाला चाहिए तो इसका प्राइस है 3000 पे। तो गाइस देख सकते हैं दिस इज द हंडी मटन। और दोस्त खाने का तो मन था, लेकिन भाई क्या करो, अभी तो शिव जी को पूजा करने के जा रहा है ना, शिव जी के पास जा रहा है। तो गाइस पहले पूजा वूजा करके खत्म कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं हम क्या खा सकते हैं। अभी तो सब कुछ खा नहीं सकते ना, तो गाइस चलो अभी चलते हैं। ये हमारा बाइक आप देख सकते हैं, और हमको अभी लगभग फिर से 15 से 20 किलोमीटर, 15 से 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा अप्रोक्स। तो गाइस चलते हैं पहले। अभी आपका टाइम जो देख सकते हैं 12:37, मतलब लगभग 1 बजने वाला है और हमको जाना है जल्दी जल्दी। चलो इधर पे हमारा बाइक पार्क करके रख दिया, तो आप देख सकते हैं हैंडल विंडल लॉक कर दिया, तो ऑल इज फाइन भाई। और इधर पे देखो कितना सारा बाइक का भीड़, हो माय गॉड, देखो भाई देखो कितना सारा बाइक भीड़ लगा के रखा है। और अभी तक तो हम मेन जगह पे गए ही नहीं, तो गाइस मेन जगह और भी हमको इधर से लगभग मतलब 8 किलोमीटर जैसे जाना पड़ेगा पैदल चल के, और उसके बाद ही हमको मंदिर मिलेगा। तो पहले जाके मंदिर में दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद आप सभी को दर्शन कराएंगे। लेट्स गो भाई, जाते हैं मंदिर तक अभी। तो हम लोग तो उधर पे बाइक रख के आ गया और आके पहुंच चुका है अभी इस तरीके से मेला में। इधर पे आप देख सकते हैं बहुत ही भीड़ लगा के रखा है। और हमारा जो मेन मंदिर है महामृत्युंजय टेम्पल, आपको हम अभी दिखाने वाले भाई महामृत्युंजय टेम्पल भाई। तो ऐसे ही अभिषेक और मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं आज का शिवरात्रि का दिन, और अच्छा तो लग रहा है। चारों तरफ भीड़ इतना सुंदर है, भीड़ सुंदर है, साथ ही साथ आदमी लोग भी बहुत ही सज धज के आए। लेकिन गाइस मेरा देखो भाई, ये भी तो बहुत ही क्लीन और नितन क्लीन, और आप देख सकते हैं इस साइड पे आदमी लोग दिया भी कुछ जला रहा है, तो बाहर साइड ही जला रहा है। तो गाइस उस अंदर पे जाने के लिए आप देख सकते हैं कितना ज्यादा उधर पे भीड़ लगा के रखे भाई, कितना आदमी लोग का लाइन है। और गाइस लाइन जो है ना इधर से शुरू हो चुका है, इधर पे इधर से स्टार्ट है, और स्टार्टिंग इधर से होके भाई देख सकते हैं कितना दूर तक लाइन, ओ माय गॉड, बहुत ही लंबा लाइन भाई। अभी हमको दर्शन करने होने से इस लाइन पे हमको लाइन पे लगना पड़ेगा। तो दोस्त हमारा थोड़ा एनर्जी कम जैसा लग रहा है, तो हम अभी स्टिंग खा रहे हैं, एक स्टिंग खाते हैं, उसके बाद हम पूजा करते हैं। तो पूजा का सामान भी हमको लेना है, पूजा करके हम खाना भी खाना पड़ेगा, भूख भी लगा पे इतना दूर से जो आया है। तो पहले हम स्टिंग खा के, तो भाई हम आया हूँ इस दुकान में हमारा पूजा का सामान लेने के लिए। तो हमने लिया ये वाला थाली, जिसमें आप देख सकते हैं क्या क्या है। तो हमने इधर पे पूरा पूजा का सामान ले लिया, और एक ये भी ले लिया जो शिव बाबा के नाम पे, और हमारा पूजा का सामान आप देख सकते हैं इधर पे हमने लिया है दिया,
इधर पे है हमारा ड्राई फ्रूट्स ये वगैरह हमने ले लिया, और अभी हम जा रहा हूँ उधर पे शिव जी को दर्शन करने के लिए। और हम तो आया हुआ मतलब थोड़ा टाइम ही हो गया था और उधर पे भीड़ बहुत ही ज़्यादा था, इसलिए हम नहीं गया। और अभी जाता हूँ, हम उधर पे दिया विया जलाते पूजा करते उसके बाद मिलते भाई। और इस दुकान का भी आपको मतलब पूरी इसका जो मेला है इस महामृत्युंजय टेम्पल का वो सब भी आप सभी को दिखाना बाकी है बहुत ही ज़्यादा। और लेट्स गो भाई, पहले करता हूँ पूजा उसके बाद मिलते हैं। देख सकते हो उस टाइम जो आपको दिखाया था इसमें तो पूरा इधर से मतलब उधर तक पूरा बहुत ही लंबा लाइन था, और अभी लाइन नहीं है, पूरा सूख गया भाई। तो मेरे दोस्त इधर से डायरेक्ट घुसने नहीं देता है, आपको दिया पहले इधर पे जलाना पड़ेगा, उसके बाद ही उधर पे दर्शन के लिए आप जा पाएंगे। तो फाइनली हम उधर पे दिया वगैरह जला के आ चुके हैं, और अभी हम प्रकृत हमारा जो पूजा है वो करने के लिए जा रहे हैं हम इस मंदिर के अंदर। भीड़ देखो पाए, लाइन अभी भी है, लेकिन उस टाइम से बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है लाइन, लेकिन अभी भी हमको लाइन पे रुकना पड़ेगा। तो जय शिव जी, जय भोले बाबा, भोले बाबा के नाम से हम लाइन पे रुकेंगे। तो अंदर में कैमरा अलाउ नहीं है, तो हमको मतलब पहले पूजा करके आते हैं उसके बाद आते, तो देखते हैं कैमरा हम उधर पे निकल पाते हैं कि नहीं। इसे बोला है कि अलाउ नहीं है। दिस इज द मेन मंदिर, ये है एंट्री गेट। तो दोस्त हमारा जो पूजा वगैरह था सब हो गया, मैंने मेरे लिए भी मन्नतें मांगी, आप सभी के लिए सभी का अच्छे के लिए मन्नतें मांगे, और दिस इज हमारा पूजा थाली। तो हमारा थाली जो है इधर पे अभी हम रख लेंगे, उसके बाद थोड़ा हम देखेंगे मंदिर को चारों तरफ से, हम दर्शन करेंगे चारों तरफ से, हम रिव्यू देंगे आप सभी को भी, और मैं भी देखेंगे सब तरीके से सब साइड से। आप पहले देख सकते हैं मंदिर का पिछले हिस्से में ऐसा कुछ नज़ारा, और इसका जो हाइट है लगभग 126 का। तो बहुत देर तक हम घूमता रहा, हम पूजा वूजा कर लिया, हम सब कुछ हमारा मतलब अभी हम बिल्कुल फ्री बन चुका है। तो भूख तो उस टाइम से लग रहा था, अभी बहुत ही ज़्यादा लग चुका है, और हमारा ये खाना आ चुका है इधर पे। हम आज मतलब भेज खाएंगे पूरा भेज। तो आज जैसे कि शिवरात्रि पूजा है तो भेज ही खाना पड़ता है, भेज ही खाना अच्छा होता है खुद के लिए। और ये तो भाई भालू जैसा खा रहा है, ये बहुत जोर से भूख लगा है मतलब, और हाँ, खाने ही जा वो रहा तो है। हाँ सुबह ही आया था ना हम, सुबह बहुत जल्दी निकला था, 9-10 बजे को निकला था शायद, और अभी तक हमने खाना नहीं खाया, चाय भाई पिया, ये सब तो इतना पेट पे पल्ले नहीं पड़ता है ना, तो इसलिए खाना अच्छा होता है, जरूरी होता है। तो पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद मिलते हैं। और हमने तो आपको ये जो शिवरात्रि का जो मेला साइट है वो सब तो नहीं घुमाया ना, तो अभी हम खाना खा के जाएंगे, मेला घुमाएंगे आपको भी। और हम उधर से खाना वाना खा के निकल के आ चुके हैं, और कैसे हम अभी आए हैं मार्केट साइड में, जो कि मार्केट साइड में आप देख सकते हैं शिव जी का पूजा का सीन से ज़्यादा तो मतलब भाई दूसरी चीज़ों का इधर पे मेला लग के रखा पे। और इधर पे थोड़ा बहुत छोटा बड़ा कुछ मीना बाजार जैसा भी आया है, मेला भी आया है, और इधर पे बच्चा लोग ऊपर उठ के ऐसे खेल रहे हैं। और आपको थोड़ा मैं दुकान से दिखाता हूँ क्या क्या दुकान इधर पे आए हैं, क्योंकि इधर पे तो बहुत ही सस्ता वाला कुछ दुकान आए हैं। आप दिखाई मिल रहा है, मिलता है लड़का का भी मिले, और ये सब नया है ना पुराना यूज वाला, सब नया है ना, लोट का माल है। कहाँ से आता है ये सब माल? ये सब दिल्ली से आता है, दिल्ली का। तो इधर पे आप जितना भी आप देख रहे हैं इधर पे कपड़ा सब कुछ दिल्ली से आता है, और इसका सबका प्राइस आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज पे। तो देख सकते हैं इधर पे हर किसी सामान आपको 100 रुपीज से मिलेगा। इधर पे आप देख सकते भाई ये सब पेंट वगैरह आपको सिर्फ 100 रुपीज। तो अभी तो बहुत ही रात का टाइम हो गया, लेकिन अभी तक आदमी का भीड़ देख सकते हैं, कितना सारा आदमी अभी भी इधर पे दिया जला रहा है, अपना प्रार्थना कर रहा है भाई, आप देख सकते हैं। और उधर पे भी अभी फिर से लाइन लगना शुरू हो चुका है, उस टाइम तो पूरा खाली हो गया था, लेकिन फिर से अभी लाइन लगना शुरू हो गया भाई। और ये है हमारा महामृत्युंजय मंदिर का कुछ रात का नज़ारा, और अभी का जो टाइम है आप देख सकते हैं दिस इज 11:30, और गैस 11:30 तक इधर पे आदमी मतलब है ही, एक दो आदमी तो इधर पे है आप देख सकते हैं। और गैस इस वीडियो को करता हूँ ये विक्रम, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, और भाई मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो भाई। और दिस इज द ब्यूटीफुल महामृत्युंजय मंदिर, और इस टेम्पल को बोलते हैं शिव जी को बोलते हैं आज बाय बाय, गुड नाइट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई।